मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट नया टॉपिक है, इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझना आपको पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार देखिए, जो भी अकाउंट्स होते हैं ना, उसकी उसको दो साइड्स में बांटते हैं। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड। जो आपकी लेफ्ट वाली साइड है उसको बोलते हैं डेबिट साइड। क्या बोलते हैं? डेबिट साइड, DEBIT, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DR, डेबिट साइड बोलते हैं। और जो आपकी राइट में है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। क्या बोलते हैं? क्रेडिट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CR, क्रेडिट साइड हो गया। इधर को क्या बोलते हैं? हम डेबिट साइड बोलते हैं, ठीक है। और बीच में लाइन लग जाती है ऐसे करके, तो एक तरह से बन जाता है पर्टिकुलर अमाउंट दो साइडों का कॉलम ऐसे बन जाता है। टी शेप बोलते हैं, टी शेप अकाउंटिंग। इसमें जैसे पर्टिकुलर का कॉलम आ जाता है, ये अमाउंट का कॉलम आ जाता है, फिर ये पर्टिकुलर का क्रेडिट साइड में, और अमाउंट का कॉलम आ जाता है। ऐसे करके टू साइड अकाउंट्स के होते हैं। द्वारा तो लेफ्ट वाली साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, और राइट वाली साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड की शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी? CR, फुल स्टॉप लगा देना। डेबिट साइड की शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी? DR, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देना। लेकिन डेबिट और क्रेडिट करना किसी रूल के हिसाब से है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये नहीं कि हम हर किसी अकाउंट को डेबिट कर देंगे या हर किसी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उस रूल होते हैं करने के, उसमें ना दो अप्रोच होती है हमारे पास। देयर आर टू अप्रोच कि किसको डेबिट करना है या किसको क्रेडिट करना है अकाउंट्स को। एक तो होती है अमेरिकन अप्रोच, या इसको मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं। एक होती है इंग्लिश अप्रोच, या इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं, या इसको डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। देखिए, जो अकाउंट्स मेन हमारा है ना, वो सारा डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर है। अब बस इसी चैप्टर में थोड़ा सा आपको बताऊंगा अमेरिकन अप्रोच के बारे में या मॉडर्न अप्रोच के बारे में। जो अगले चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है, या उससे आगे जितने भी चैप्टर आएंगे सब में, ठीक है, तो सब में हम उसमें क्या करेंगे, हम ट्रेडिशनल अप्रोच या डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ करेंगे, ड्यूल रेस्पेक्ट का यूज़ करेंगे, जिसकी मैंने एक प्रिंसिपल भी आपको दिया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करती है, एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा हमेशा ही क्या होगा? क्रेडिट होगा। वो खैर आगे आएगा, लेकिन अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच क्या है, उसके अंदर हम क्या करते हैं। अमेरिकन अप्रोच के अंदर जो मैं आपको करा रहा हूँ, सेकेंड अप्रोच जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डबल एंट्री सिस्टम का, या उससे आगे जितने भी चैप्टर आएंगे, जनरल का चैप्टर आ रहा है, लेजर है, सब डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर होगा। उसमें रो जो रूल हैं डेबिट और क्रेडिट करने के, वो नेचर होता है अकाउंट्स का, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि अकाउंट्स का नेचर क्या है, कि जो अकाउंट्स का, किस अकाउंट्स की बात करें, यानी उसको डेबिट या क्या करना है, क्रेडिट करना है। इस पर्पज़ के लिए हम अकाउंट्स को फाइव कैटेगरी में बांटते हैं। देर आर फाइव कैटेगरी। तो फर्स्ट इज़ असेट्स अकाउंट। असेट्स में जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, बैंक, सब करंट, नॉन करंट असेट्स या करंट असेट्स सब आएंगे। लायबिलिटी में क्रेडिटर, BP, लोन वगैरह, ठीक है, सब आएंगी लायबिलिटीज़। कैपिटल में जो ओनर स्टार्ट करता है, जिससे बिजनेस, जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लगा बोलते हैं, कैपिटल भी इसके अंदर आए। रिवेन्यू और इनकम के अकाउंट, और लॉसेज और एक्सपेंसेस के अकाउंट। तो दोबारा वो याद करेंगे, अमेरिकन अप्रोच के अंदर डेबिट और क्रेडिट के अंदर डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ एन अकाउंट्स, की अकाउंट्स का नेचर क्या है। और उसके लिए हम अकाउंट्स को पाँच कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो असेट्स के अकाउंट, लाइबिलिटीज़ के अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू और इनकम अकाउंट, और लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट। ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं, पांच अकाउंट्स के नाम हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, ठीक है। चलिए, पहले हम किसकी बात करेंगे? असेट्स अकाउंट की बात करते हैं, कि असेट्स अकाउंट को हम कैसे करते हैं टी शेप में, कि इसमें क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ठीक है। तो टी शेप बना लेते हैं। ये आपकी डेबिट साइड, मैंने आपको कहा था इसको DR बोलते हैं। ये आपकी क्रेडिट साइड, इसको CR बोलते हैं। तो जैसे हमारी इसमें क्या होगा, क्रेडिट असेट्स अकाउंट जब बनाएंगे, देखिए, अगर असेट्स आपके इंक्रीज होंगे उसको आपने डेबिट में दिखाना है। इंक्रीज इन असेट्स शो इन द डेबिट साइड, एंड डिक्रीज इन असेट्स शो इन द क्रेडिट साइड। अब आपको ये लर्न करना है, याद करना है कि असेट्स की इंक्रीज किधर आएगी? डेबिट साइड में आएगी। असेट्स की डिक्रीज किधर आएगी? क्रेडिट साइड में आएगी। क्लियर हो गया? ये असेट्स अकाउंट्स है। पांच अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा, पहले किसकी बात कर रहा हूँ? असेट्स अकाउंट की। असेट्स में इंक्रीज किधर आएगी? डेबिट साइड में आएगी। डिक्रीज किधर आएगी? क्रेडिट साइड में आएगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया, अच्छा, तो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है ना, तो फर्नीचर असेट्स होता है, इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज यानी इधर दिखाएंगे, इस साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड। अच्छा, फर्नीचर सोल्ड कर दिया, अब फर्नीचर आपका कम हो गया या डिक्रीज हो गया, तो उसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो इंक्रीज इन असेट्स डेबिट साइड में, डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट साइड में। ये असेट्स अकाउंट का रहेगा आपका, ठीक है, किसका रहेगा? असेट्स अकाउंट का। उसके बाद आपका है लाइबिलिटीज़ अकाउंट।
कौन से अकाउंट्स, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में थोड़ा रिवर्स होता है, इंक्रीज आता है आपका क्रेडिट साइड में, यानी इंक्रीज अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में शो करेंगे, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में। ये किसकी बात कर रहा हूँ, लाइबिलिटी की। जैसे मान लीजिए हम मान लो परचेज गुड्स फ्रॉम राम है, हमने राम से गुड्स खरीदा है, किसे खरीदा है, राम से, तो राम क्रेडिटर हो गया, तो राम आपका क्रेडिटर इन लाइबिलिटी होगी ना, राम को हमने देने हैं तो राम आपका लाइबिलिटी क्रेडिटर हो गया। तो अब उसकी इंक्रीज किधर लिखेंगे, इधर दिखाएंगे, इस साइड में दिखाएंगे कि हमने राम से परचेज किया, ये इंक्रीज इधर हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर मान लो आगे आ जाए पेड कैश टू राम, कि राम को पेमेंट कर दी, अब क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, राम की पेमेंट कर दी, ठीक है ना, तो फिर आपकी डिक्रीज इन लाइबिलिटी इधर आएगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इधर आएगी। तो बस आपको इतना याद करना है, दोबारा तो असेट्स और लाइबिलिटी में क्या क्या याद किया, इंक्रीज असेट्स की किधर आती है, डेबिट साइड में, डिक्रीज किधर आती है, क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी में इंक्रीज किधर आती है, क्रेडिट साइड में, डिक्रीज किधर आती है, डेबिट साइड में आती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। थर्ड पॉइंट आता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का भी सेम रहता है, जैसे लाइबिलिटी का ना इंक्रीज तो इधर दिखाना है, इंक्रीज इन कैपिटल, कि कैपिटल अगर इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट साइड में, और डिक्रीज हो जाए तो डेबिट साइड में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कि बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल होती है ना, तो कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट में दिखाएंगे उसको, कहाँ दिखाएंगे हम, क्रेडिट साइड में। ऐसे मान लो पर्सनल यूज के लिए गुड्स कैश निकाले तो कैपिटल डिक्रीज हो गई, तो उसको हम क्रेडिट डेबिट साइड में दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में, बिल्कुल सेम रहेगा लाइबिलिटी की तरह, डिक्रीज इधर रहेगा और इंक्रीज इधर रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इनकम और रिवेन्यू का अकाउंट, रिवेन्यू और इनकम, इसका भी बिल्कुल सेम रहेगा, इंक्रीज इधर मान, इंक्रीज इन रिवेन्यू, डिक्रीज इधर, डिक्रीज इन इनकम या रिवेन्यू, डिक्रीज इनकम या इंक्रीज इन इनकम, ये भी बिल्कुल सेम है, इसकी तरह लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम के बिल्कुल सेम रहते हैं, इंक्रीज आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे, डिक्रीज आप कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड में दिखाओगे, ठीक है, क्लियर हो गया। और लास्ट कौन सा था, लॉसेस या एक्सपेंसेस के अकाउंट, लॉसेस में आपका इंक्रीज इधर आता है, इंक्रीज अगर लॉस इंक्रीज हो रहे हैं ना तो डेबिट साइड में दिखाना है, और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड में दिखाना है। ये आपने रूल याद करने हैं कि इंक्रीज किधर आएगा, डिक्रीज किधर आएगा इसका। ये पांच अकाउंट्स में हम बांटते हैं अमेरिकन अप्रोच के अंदर। नंबर एक क्या है, असेट्स के अकाउंट, असेट्स में डेबिट में इंक्रीज है, क्रेडिट में डिक्रीज है, लाइबिलिटी में इंक्रीज क्रेडिट में है, डिक्रीज आपका डेबिट में है, उसके बाद कैपिटल में इंक्रीज आपका क्रेडिट में है, डिक्रीज आपका डेबिट में है, कैपिटल के बाद रिवेन्यू और इनकम, इंक्रीज हमारा क्रेडिट में है, डिक्रीज आपका डेबिट में है, और ऐसी लॉसेस और एक्सपेंसेस, इंक्रीज आपका डेबिट में है, डिक्रीज आपका क्रेडिट साइड में है, इंक्रीज इन लॉस डेबिट साइड में शो करोगे, डिक्रीज इन लॉस क्रेडिट साइड में शो करना। हाँ जी, समझ में आया सबको, पांचों समझ में आ गया। अब देखो अब क्या इनमें सबकी सेम नेचर वाले कौन से हैं, देखो असेट्स, अब याद करने का बता रहा हूँ, असेट्स और एक्सपेंसेस बिल्कुल सेम होते हैं, इंक्रीज इधर डिक्रीज इधर, तो हम इसको इकट्ठा शो कर देते हैं याद करने के लिए, कि असेट्स और एक्सपेंसेस, असेट्स के अकाउंट हो या एक्सपेंसेस के अकाउंट हो, इंक्रीज इधर दिखाएंगे डेबिट साइड में, और डिक्रीज किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। और जो आपके तीन अकाउंट कौन कौन से हैं, लाइबिलिटी है, कैपिटल है और इनकम, इन तीनों का नेचर एक जैसा हो गया, लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम का, इसमें क्या रहेगा, डिक्रीज तो इधर आएगा और इंक्रीज इधर आएगा, इंक्रीज कहाँ आएगा, इस साइड में आपका आ जाएगा, बस इतना आपने याद करना है। तो ये अच्छी तरह याद कर लीजिए, असेट्स और एक्सपेंसेस, इंक्रीज आपका डेबिट साइड में, डिक्रीज आपका क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम, लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम, इंक्रीज आपका क्रेडिट साइड में, डिक्रीज आपका डेबिट साइड में शो करेंगे इसको। हाँ जी, सबको याद हो गया अच्छी तरह से, अब अच्छी तरह पहले याद करो, असेट्स और एक्सपेंसेस का इंक्रीज हमारा डेबिट में आएगा, डिक्रीज हमारा क्रेडिट में आएगा, लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम का इंक्रीज हमारा क्रेडिट में आएगा, डिक्रीज हमारा डेबिट में आएगा। तो अभी क्वेश्चन जैसे है हमारे पास ना, उसमें सिर्फ आपको ये देखना है, ये क्वेश्चन दे रखा है, उसको स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, कि किस साइड में, ऑन विच साइड, यानी डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में इंक्रीज के लिए बता रहा है, कि इंक्रीज बताना है, इनका इंक्रीज कहाँ लिखा जाएगा, इन अकाउंट्स का, ये अकाउंट्स के नाम दे रखे हैं। पहले तो आप नेचर देखोगे कि अकाउंट्स की नेचर क्या है, नेचर मैंने पहले पांच अकाउंट्स में ढूंढना है ना, कि असेट्स का है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है या इनकम है या आपका लॉसिस है, फिर उसके हिसाब से आप बताना इंक्रीज किधर आता है, इंक्रीज हम कहाँ शो करेंगे, ठीक है। पहले तो कैश की नेचर क्या है, कैश क्या होता है, पहले तो ये याद होना चाहिए ना, कैश होता है असेट्स, बताया था करंट असेट्स होता है, मशीनरी क्या होता है, ये भी असेट्स होता है, चाहे नॉन, चाहे कोई भी असेट्स हो, असेट्स होना चाहिए,
डेटर भी एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है ना। क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी। प्रोप्राइटर कैपिटल। रेंट रिसीव्ड इनकम है या लॉस है? इनकम, क्योंकि हमें मिल रहा है ना, कैश आ रहा है हमारे पास, इनकम होगी। सैलरी पेड एक्सपेंसेस, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम। अब इनका मुझे बताना है कि इंक्रीज कितना आएगा। चलो बताओ तो कैश का इंक्रीज कितना था। देखो ये बनाओ ना, मैं इसी में डाल देता हूँ। देखो ये एसेट्स और एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम। अब कैश का इंक्रीज कितना आएगा? देखो कितना आएगा ना, तो आपने बताना है कैश डेबिट। इन डेबिट में दिखाएंगे, एसेट्स होता है ना, क्या होता है? एसेट्स होता है, और डेबिट में दिखाएंगे उसकी इंक्रीज। कहाँ दिखाएंगे? डेबिट, बस ऐसे दिखा देना। एंड डेबिट में दिखाएंगे एसेट्स, जो एसेट्स है उसकी इंक्रीज। कहाँ दिखाएंगे? डेबिट से। अच्छा इंक्रीज इंक्रीज बताना आपने कि इंक्रीज कहाँ होगा। अच्छा मशीनरी भी क्या है? असेट्स है, तो ये भी आपका डेबिट में दिखाएंगे। मशीनरी भी इधर आएगी, इंक्रीज आपकी, ये भी असेट्स होता है। क्या होता है? असेट्स, इंक्रीज आपका डेबिट साइड में आ गई, ठीक है। देखो डेबिट में दिखाएंगे असेट्स है। अच्छा डेटर, ये भी असेट्स हैं, तो इसको भी डेबिट में दिखाएंगे। इंक्रीज दिखाना है केवल, इंक्रीज की तरह आएगा तो डेबिट में आएगा ना, ठीक है। देखो आपका असेट्स का इंक्रीज की तरह आता है डेबिट साइड में। अब आपको तो, अब आपके क्रेडिटर आ गए, क्रेडिटर की, क्रेडिटर का इंक्रीज की तरह आएगा, तो आपका इंक्रीज आएगा। देखो लाइबिलिटी है ना, तो इधर आएगा आपका क्रेडिटर, यानी यहाँ दिखाएंगे क्रेडिटर, क्योंकि लाइबिलिटी है और क्रेडिट में इंक्रीज आएगा। कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब कैपिटल का इंक्रीज किधर आएगा? सेम, कैपिटल का भी सेम ही होता है, लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम क्रेडिट साइड में दिखाओगे, ठीक है, कैपिटल का भी हो गया। अच्छा रेंट रिसीव्ड, ये इनकम है, क्या है? इनकम, इनकम का भी इधर ही आएगा, रेंट रिसीव्ड का भी इधर इंक्रीज दिखाओगे, क्रेडिट साइड में आएगा रेंट रिसीव्ड भी आपका इंक्रीज, ठीक है। अब सैलरी पेड क्या है? सैलरी पेड एक्सपेंसेस हो गया, और असेट्स और एक्सपेंसेस का मैंने बताया था किधर आता है, डेबिट साइड में आता है, यानी इधर दिखाओगे आप, यानी सैलरी डेबिट एक्सपेंसेस, ठीक है। सैलरी इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी इनकम है, इनका, इसका इंक्रीज किधर जाएगा? क्रेडिट में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। तो ऐसे करके बताना है कि इंक्रीज किधर आएगा और डिक्रीज, सिर्फ इंक्रीज के बारे में, कि इनका इंक्रीज किधर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ रहा है कि किस साइड में डिक्रीज दिखाएंगे इन अकाउंट्स का। अब क्या दिखाना है? डिक्रीज। अब डिक्रीज में चलो बताओ, पहले फर्नीचर, पहले क्या होता है? असेट्स से वो नोट कर लेते हैं, बैंक भी असेट्स होता है, प्रोपराइटर आपका कैपिटल होता है ना, सैलरी पेड एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी रहेगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होते हैं। सुभाष कस्टमर मतलब डेटर, डेटर मतलब असेट्स, कस्टमर क्या होता है? डेटर, डेटर मीन्स क्या होता है? असेट्स। अब मुझे सिर्फ डिक्रीज बताना, डिक्रीज किधर आएगा। चलो बताओ फर्नीचर का डिक्रीज किधर आएगा, फर्नीचर, फर्नीचर पहले बताओ क्या, असेट्स, डिक्रीज किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा, यानी फर्नीचर का डिक्रीज आपका क्रेडिट साइड में आएगा। बैंक, ये भी असेट्स है, तो इसका डिक्रीज भी कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। प्रोवाइडर कैपिटल, कैपिटल का डिक्रीज किधर आता है? देखते हैं, कैपिटल का डिक्रीज आता है इधर डेबिट साइड में, यानी कैपिटल का जो डिक्रीज है वो डेबिट साइड में आएगा। कैपिटल कहाँ आता है? डेबिट साइड में। क्या आता है? डिक्रीज, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद सैलरी पेड एक्सपेंसिस का डिक्रीज किधर आता है? एक्सपेंसिस का डिक्रीज आता है क्रेडिट साइड में, देखो लिखा क्रेडिट में एक्सपेंसिस, क्रेडिट में एक्सपेंस। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग का बताइए, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होती है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का डिक्रीज किधर आएगा? आपका लाइबिलिटी का डिक्रीज आएगा डेबिट साइड में, देखो लाइबिलिटी है ना, डिक्रीज डेबिट में, ठीक है। उसके बाद आपका कस्टमर डेटर, डेटर का डिक्रीज किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा, यहाँ आएगा, तो डिक्रीज आपका देखो क्रेडिट में असेट्स ये आपका आएगा। बस इतना याद रखना है कि इंक्रीज किधर आएगा, डिक्रीज किधर आएगा। चलो बताओ असेट्स का इंक्रीज किधर? डेबिट में। डिक्रीज किधर? क्रेडिट में। एक्सपेंसेस का भी सेम, डिक्रीज आपका डेबिट में, इंक्रीज आप सॉरी इंक्रीज आपका डेबिट में, डिक्रीज आपका क्रेडिट साइड में। अच्छा लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम, इनका इंक्रीज आएगा क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड होती है, और डिक्रीज किधर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। तो आज के इतना करना कि पहले अच्छी तरह डन कर लो कि पांच अकाउंट्स इसके अंदर आते हैं, एसेट्स के, लाइबिलिटी के, कैपिटल के, रेवेन्यू के, लॉसेस के, और उनका इंक्रीज किधर आएगा, डिक्रीज किधर आएगा, ठीक है। इतना आज आप करना इसके अंदर, ये आपका था टी शेप अकाउंटिंग बोलते हैं, कल इसको चैप्टर शायद हो जाए, कल आपका कंप्लीट ये वाला। अच्छा इसके अंदर फिर मैंने आपको कंसेप्ट कहे थे, दो कंसेप्ट आते हैं, एक और एक कंसेप्ट और एक दो कंसेप्ट कर लेते हैं। आज का जो कंसेप्ट है आपका एक्यूरल कंसेप्ट एक है। एक्यूरल कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है? देखिए एक्यूरल कंसेप्ट के अंदर जो रिवेन्यू और इनकम है, वो रिवेन्यू और इनकम वो रिकॉर्ड करते हैं जब वो इनका अर्नड हो जाएँ या एक्यूर्ड हो जाएँ, जरूरी नहीं कि उसके लिए कैश मिला हो या ना मिला हो। जैसे मान लीजिए कोई आपने इनकम, इनकम है कोई आपने अर्न कर ली, ठीक है,
अर्न करने का मतलब ये कुछ जरूरी नहीं होता है कि उसने कैश मिला है या नहीं मिला है, तो आपकी वो इनकम मानी जाएगी कि उसको हम रिकॉर्ड करेंगे चाहे उसके लिए हमें कैश मिला है या नहीं मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई कमरा किराए पे चढ़ा रखा है, ठीक है, अब किराएदार बैठ गया, कमरा 1 महीना किराए पे बैठा रहा, लेकिन उसने अभी तक हमने किराया नहीं दिया और नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया, तो हमारी वो एक्यूड इनकम होती है। कौन सी इनकम होती है? एक्यूड, अर्न तो कर ली ना हमें, बस मिली ही नहीं है, तो उसको हमने रिकॉर्ड करना है, लिखना है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे चाहे उसके लिए कैश मिला है या नहीं मिला है, ध्यान रखना। ऐसी एक्सपेंसेस हैं वो भी रिकॉर्ड करेंगे जब वो ड्यू हो जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए कैश पेड कर दिया या नहीं कर दिया। फॉर एग्जाम्पल वर्कर ने काम कर लिया, 1 महीना हो गया, आपने उसको सैलरी नहीं दी, अब ड्यू तो होगी ना, सैलरी देनी है आपने, एक्सपेंसिस तो हो गया, तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है चाहे उसके लिए कैश पेड किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्यूरल कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट होता है एक्यूरल? ये जो फॉलो करता है मैचिंग प्रिंसिपल, पीछे आपको बताया था, मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये चलता है आपका, ठीक है। और दूसरी बात जो आपका है ये करेक्ट, अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो अगर आप सही प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो इनकम और एक्सपेंसेस को आप हमेशा एक्यूरल बेसिस पे ही रिकॉर्ड करोगे। कौन से बेसिस पे? एक्यूरल बेसिस पे। ये मत देखना कि कैश मिल रहा है या कैश हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कैश तो कि कैश में तो डिफर होता रहता है, कैश की डेट तो अलग होती रहती है, लेकिन आपको मान लो जिस मंथ की मान लो एक्सपेंसिस है उसी मंथ का मानना है, या किसी मंथ की इनकम है उसी मंथ की माननी है, चाहे वो कैश मिल रहा है या कैश हम पेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कंपनी एक्ट 2013 इसी को रिकॉग्नाइज करता है। कौन से कंसेप्ट को? एक्यूरल कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज करता है कि इसी के अकॉर्डिंग आपने काम करना है, एक्यूरल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो आप कहोगे कि इसके अंदर रिवेन्यू इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो इनकर्ड जब एक्यूर्ड हो जाते हैं या अर्न हो जाते हैं, चाहे उसके लिए कैश मिला हो या ना मिला हो, ऐसे एक्सपेंसेस को भी हम रिकॉर्ड करेंगे जब वो ड्यू हो जाते हैं, चाहे उसके लिए कैश पेड किया हो या ना किया हो। तो फॉलो किसको, किसको फॉलो करता है? कौन से प्रिंसिपल को? मैचिंग प्रिंसिपल को। और करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जरूरी है कि जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है कौन से किस पे किया जाए, एक्यूरल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। तो ये कंपनी एक्ट 2013 इसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, ध्यान रखना। और एक लास्ट कंसेप्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या होता है कि कहता है ऑल जो ट्रांजेक्शन है वो ऑब्जेक्टिविटी मैनर से होनी चाहिए और दे शुड बी फ्री फॉर पर्सनल बेस। बेस होता है कि यानी कि कोई भेदभाव यानी पक्षपात वगैरह इसके अंदर नहीं होना चाहिए, पर्सनल यानी कि उसका पर्सनल वो नहीं होना चाहिए, इसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए या बेस वगैरह नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिविटी मैनर पे होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन जब अकाउंट्स में आप करते हो ना, हर चीज़ का ना एक प्रूफ होना चाहिए, बिना प्रूफ के आप कभी भी अकाउंट्स का काम मत करना। चलो अब तो हम अकाउंट सीख रहे हैं, चलो हमारे पास प्रूफ क्या होंगे, लेकिन आगे जब बिजनेस में कहीं भी आप काम करोगे, ठीक है, जब आप एक्चुअल में जाओगे तो आपने बिना प्रूफ के कोई काम नहीं करना, हर चीज़ का आपके पास प्रूफ हो, सारी ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो वेरी डॉक्यूमेंट उसके साथ लगे होने चाहिए, जैसे वोचर वगैरह, कैश मीमो, इनवॉइस वगैरह, बिल वगैरह, बिना उसके कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना। बिना इसके ट्रांजेक्शन करोगे, कोई ऐसी एंट्री कर दी जिसका कोई आपके पास प्रूफ नहीं है तो फ्रॉड में मानी जाती है, किसमें मानी जाती है, फ्रॉड किया आपने, ठीक है। हर चीज़ का आपके पास प्रूफ हो, क्या हो, मान लो किसी को आपने कैश दिया है तो अभी उसको को उस पर लिखवा लीजिए कि मैंने कैश रिसीव किया, उसके साइन कराओ, ठीक है, रिसिप्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं रिसिप्ट, जैसे हम जैसे मान लो स्कूल में फीस जमा कराते कराते हो, मान लो स्कूल में फीस जमा कराते हो तो आपको क्या मिलती है, रिसिप्ट मिलती है वहाँ से, ये प्रूफ होता है कि आपने वाकई में क्या जमा कराई, फीस जमा कराई, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए जैसे आप कोई गुड्स कैश में खरीदते हो तो कैश मीमो होता है, क्या होता है वो, मैं कैश में वो बना के देगा कि ये मेरे से इतना गुड्स लेके गया, कैश दे के गया, ठीक है। ऐसे आपने मान लो कोई गुड्स क्रेडिट में खरीदा है, किसमें खरीदा, क्रेडिट में, तो इनवॉइस और बिल होता है, इनवॉइस और बिल की टर्म होती है जिसमें उसका नाम वगैरह लिखा जाता है, हमारा नाम लिखेगा कि इतना गुड्स लेके गया, इतना इतना उसका अमाउंट बनता है, ठीक है। ऐसे हम किसी को सेल करते हैं तो इनवॉइस बनाते हैं, जब परचेज करते हैं बिल मिलता है, ये सारे प्रूफ होते हैं। ऐसे मान लो किसी को कैश देते हो तो आपको रिसिप्ट बना के देगा, जैसे हमने फीस स्कूल में जमा कराई तो हमें क्या देते हैं, वो रिसिप्ट देते हैं, या कोई हम जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल जाके बिजली का बिल जमा कराते हैं वहाँ पे, तो भी हमें रिसिप्ट मिलती है वहाँ पे, हमें तो रिसिप्ट उसको रिसिप्ट बोलते हैं। जब आप बैंक में जमा कराने जाते हैं ना पैसे, तो वहाँ पे एक पे इन स्लिप भरनी पड़ती है, अब बैंक में जाके देखो तो ये पे इन स्लिप भरते हैं, जिस एक होता है जिससे हमने बैंक में क्या, और बैंक वाला क्या करेगा, एक पार्ट उसका तो रख लेगा और एक पार्ट आपको दे देगा स्टैंप लगा के, और आपका प्रूफ हो गया कि हमने बैंक में क्या जमा कराए हैं,
पैसे जमा कराएं, ठीक है। तो ये पेइंग स्लिप होता है जो बैंक से फार्म मिलता है, जिस वो बैंक में हम पैसे जमा कराने के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट हैं, ये प्रूफ का काम करते हैं कि वाकई जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के द्वारा वेरीफाई है, यानी कि सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट, साथ में डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो आप कहना ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी ऑब्जेक्टिव मैनर से होनी चाहिए, और वो फ्री फॉर्म पर्सनल बेस में, कोई पर्सनल वो नहीं होना चाहिए, पक्षपात वगैरह बेस वगैरह नहीं होना चाहिए, और ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट और वोचर्स लाइक कैश मेमो, इनवॉइस, बिल वगैरह, ठीक है। तो जैसे हम परचेज गुड्स और कैश है तो कैश मेमो बनाते हैं, परचेज गुड्स और क्रेडिट है तो इनवॉइस और बिल होता है, ये सारे प्रूफ होते हैं कि वाकई ना कोई ट्रांजेक्शन हुई है। जब बैंक में पैसे जमा कराएं तो क्या पढ़ते हैं, पेइंग स्लिप पढ़ते हैं। ये सारे एक तरह से सोर्स डॉक्यूमेंट हैं जो हमारा प्रूफ का काम करते हैं, और बिना इसके एंट्री नहीं करते कभी भी हम, यानी हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन है ना तो बिना प्रूफ के मत करना, ठीक है। कभी भी जिंदगी में जब भी काम करो कहीं जाके, बिना प्रूफ के कुछ नहीं करोगे, बिना प्रूफ के कर दिया या कोई सोर्स तो आपके पास नहीं मिला कोई प्रूफ वगैरह, तो आपके नाम एकदम फ्रॉड किया है, इसने कुछ ऐसी गड़बड़ की है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो बिना प्रूफ के कुछ नहीं करना। और पहला वाला प्रिंसिपल आपको समझ में आया, एक्यूरल कंसेप्ट, इसमें इनकम और रिकॉर्ड तब तक करते जब तक इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो अर्न या एक्यूड होती हैं, चाहे उसके लिए कैश मिला हो या ना मिला हो, ऐसे एक्सपेंसेस आ रिकॉर्ड करे वो जब वो ड्यू हो जाएंगे, चाहे उसके लिए कैश पेड करा हो या ना करा हो, और ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। और सही, अगर सही प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, करेक्ट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो इनकम एक्सपेंसेस को एक्यूरल बेसिस पे ही आप रिकॉर्ड कर चलोगे, और इट रिकॉग्नाइज बाय कंपनी एक्ट 2013। तो आज के लिए जो टॉपिक समझ में आ गए सबको अच्छी तरह से, तो आज ये करेंगे, ठीक है, बाकी कल कराऊंगा।